मैं विजय कुमार बिंदुन पंचायत के मुखिया विजय कुमार जी जी मेरा नाम हुआ जी। ये है कि जो आज दुर्ग उत्सव मनाई जा रही है जी जी जो रंजन अखबार करा रही है दैनिक जागरण। अच्छा दैनिक जागरण अखबार करा रही है। आज रंजन अखबार करा रही है। तो हेलो मैं उड़ी फैमिली कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तभी हम लोग जा रहे हैं सीतापुर और वहाँ क्या क्या है कल का तो आप लोग देखोगे ही कल जो जाऊँगा वहाँ पे 22 तारीख को। आज 21 तारीख है। आज क्या क्या प्रोग्राम है वहाँ पे क्या तैयारी चल रही है अभी चल रहे हैं टोटली चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। बाइक तो अपना उधर लगा है देख ही रहे हो। फिलहाल चलते हैं हम लोग वहाँ पे चलते हैं बाकी रास्ते में बात करेंगे। तो गाइस हम निकलते हैं यहाँ से और चल बट बीच में आते चलिए चलिए डॉक बैठ चलिए अब जाते जाते रास्ते में अपना एक सामान था दोस्त था तो पार्सल ले लिए हैं आपको मिरर में दिख ही रहा होगा। एक आगे जा रहा है गाड़ी उसे बंधा हुआ है सोचे कि उधर जा ही रहे तो फिर छोड़ देते हैं दोनों काम हो जाएगा। ओह लेकिन इधर भी काम ना है ना। सीताकुंड में क्या है मतलब कि जब सीता माता शादी होकर आई थी तो वहाँ पे मतलब विश्राम ये सीतारी मालो कहानी बता दी थी ऐसा था कि वहाँ पे विश्राम की थी उनका। जैसे हम लोग की तरफ क्या होता है बिहार का शादी होता है तो चौथाड़ी वगैरह होता है तो कंगन वंगन खोला जाता है तो चौथा दिन उनका वहीं पर हो गया था वहीं पर स्नान स्नान किए और उसके बाद स्नान करने के बाद कंगन वंगन वहीं पर खोला अपना जो कंगन आम का पल्लू का बनता है आम का पत्ते का शादी करते समय बांधा जाता है तो वही कंगन वहाँ पर खोला स्नान उत्नान की सब लोग विश्राम किए थे तो इसलिए उसका नाम सीताकुंड ही पड़ गया सीता माता स्नान के लिए। चलिए बाकी समय और बातें जो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा चलिए बाकी सब बातें उस एरिए में पहुँचता हूँ सीताकुंड में तभी आपसे बात होगी और पूरी डिटेल में बताऊँगा कहाँ क्या क्या है तो बस बने रहें ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग यहाँ सीताकुंड मंदिर के पास पहुँच गए हैं। चलिए आपको मंदिर का गेट दिख रहा होगा यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ क्या बात है पता नहीं गाड़ी ऊपर जाता है कि नहीं जाता है साइकिल वहीकल तो लगा हुआ है। चलिए चलते हैं ऊपर घुसाते हैं गाड़ी। ओ माय गॉड देखिए पूरा तैयारी चल रहा है तो क्या बात है चलिए दिखाते हैं आपको पूरा मंदिर का नज़ारा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मंदिर पीछे साइड में पूरी तैयारी एकदम जोरों जोरों से चल रही है। यहाँ पे जो है अभी यहाँ के महंत जी हैं उनसे पूछते हैं यहाँ का इतिहास क्या है वो टोटली चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और सीधा आपको बताते हैं क्या चीज़ है ठीक है। तो
बस ये यहाँ के सर महंत है सर अपना भारतीगिरी भारतीगिरी। तो सर यहाँ के इतिहास के बारे में आप बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है और यहाँ का नाम सीताकुंड कैसे पड़ा, ये सब चीज़ बताइए। यहाँ का इतिहास यही है कि भगवान रामचंद्र जब शादी करके जनकपुर से जब लौटे तो यहीं पर चौपाड़ी हुआ और रात्रि विश्राम किए और यहाँ से देवी का मधुबन थोड़ा दूर 2 किलोमीटर दूर है पूरब दिशा में, जहाँ पर कंगन खुला बहुत दिन तक सुबह लोग बताते हैं कि वहाँ पर कंगन का पेड़ था और इर्द गिर्द में कहीं की शादी विवाह होता था तो वहाँ पर कंगन का पत्ता मतलब आम का पेड़ भी था और गोल गोल करके पत्ता उसका और वहाँ से आम का पत्ता ज़्यादा था उसी का कंगन बनता था और लोग शादी विवाह में ले जाते हैं। तो सर मतलब कि यहाँ की जो तैयारी चल रही है वो कल के लिए सारी तैयारी हो रही है, कल के लिए बहुत भव्य तैयारी है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दिया बत्ती जलाने का पूरा पक्का व्यवस्था है, 51,000 दिया जलाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जैसे यहाँ के ये जो जो तालाब है ये किस नाम से, तालाब सीता कुंड के नाम से है, सीता जी यहाँ पर आई थी कुंड में स्नान और यहाँ का जल पावन जल है, कहीं भी जल होता है तो यहाँ का जल जाता है इसमें और इसी जल से जलभूजी होता है और सबका पर्व होता है। मतलब यहाँ तैयारी एकदम पूरे जोर जोर पूरे जोर जोर से तैयारी है। हाँ जितने अच्छे गणमान्य व्यक्ति हैं सही हुए मंदिरा हुए और दूर दूर से जो भी अपना जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ठीक है सर, चलिए आगे आप लोग को हम लोग दिखाते हैं अभी क्या क्या चीज़ तैयारी चल रही है। टोटली चीज़ आप लोग को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सामने से, तो देखिए आप लोग यहाँ पर पूरी तैयारी जो है एकदम जोर जोर से चली है, सजावट का काम जैसे हो रहा है पूरा यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई। तो यहाँ से पूरी सजावट यहाँ पे देखिए पूरी मंदिर सजावट हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए आप पूरा का पूरा राम जानकी मंदिर ये है और ये कौन सा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। अभी पट बंद है इनका और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम तैयारी पूरा जोरों जोर से चल रही है और अंदर हम लोग जाएंगे नहीं कि भाई स्विच देना हो तो मैं बाहर से आप लोग को दिखाया थोड़ा जूम करके। तो ये देखिए राम जानकी मंदिर है, तो आप लोग को यहाँ का दिख ही रहा होगा बाकी सब जो उनका मूर्ति है काफ़ी प्यारा मूर्ति है। अब कल आएंगे, कल दर्शन करेंगे तो अच्छे से दिखाएंगे आपको। आप जाके अंदर दिखा सकते हैं क्या, चलिए नहीं जूता पहने हुए इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ से देखिए अभी यहाँ से आप क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए अंदर पूरा प्राचीन पीठ है, बहुत प्राचीन पीठ है यहाँ का जो ये पीठ है। हम लोग इनकी बस किस्से कहानियों में सुना करते थे और हमारा गांव तो यहाँ से नज़दीक है तो हम लोग देखे हुए भी हैं, लेकिन क्या है कि जितना जानकारी बुजुर्ग लोग से हो सकती है उतना तो हम लोग दे नहीं सकते। यहाँ पे देखिए जय सियाराम, भाई लोग काम पे लगा हुआ है एकदम। जी 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 दिख रहा है भैया, एकदम दिख रहा है आप लोग का काम भी बहुत प्यारा है भाई। वो देखिए यहाँ पे देखिए काफ़ी मंदिर ये सब पूरा टूट गया और यहाँ पे दिया जलाने की तैयारी हो रही है, जय श्री राम लिखा जा रहा है दिए से। और देखिए यही तालाब है जो जिसके बारे में महंत जी बता रहे थे, आप लोगों को टोटली दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा हल्का पानी है इसमें, यही तालाब है जहाँ सीता माता स्नान की थी तो सीता कुंड के ही नाम से मशहूर है, आप लोग को नज़र आ ही रहा होगा पूरा टोटली। यहाँ पे मुखिया जी यहाँ का जो गाँव के मुखिया हैं जिस पंचायत के वो मुखिया जी पूरा आए हुए हैं तो अभी आज से आगे दिया जलेगा। तो देखिए यहाँ दिया जलने की तैयारी हो रही है, जी 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 यहाँ पर बढ़िया बनाइएगा तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, फोटो खींचिएगा। ठीक है फोटो भी खींचेंगे, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मतलब दिया जलने की तैयारी हो रही है जोर जोर से, आज ही दिया जलेगा, आज ही दिया जलाएगा। मतलब ओपनिंग डे के हिसाब से आज ही जलेगा और बाकी तो कल जो 51,000 दिए की तैयारी हो रही है वो कल जलेगी। तो आप लोगों को देखने को पूरा टोटली मिल ही जाएगा, कल भी कल का भी ब्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ का जो तैयारी हो रहा है पूरा टोटली चीज आप लोगों को दिख ही रहा होगा, दैनिक जागरण की तरफ हो रहा है, दैनिक जागरण अखबार करा रही है। दैनिक जागरण, अच्छा दैनिक जागरण अखबार करा रही है। ओह चलिए सर अपना आप दैनिक जागरण से, अच्छा आप दैनिक जागरण से, चलिए सर सर मिलकर अच्छा लगा आपसे। आप कहाँ से मिलते हैं? नहीं मेरा पर्सनल खुद का चैनल ब्लॉगिंग चैनल है तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। दैनिक जागरण के संदर्भ से राम भक्ति को लेकर, जी जी बोलिए ना आप रिकॉर्ड हो रहा है। दैनिक जागरण दैनिक जागरण के संदर्भ से राम भक्ति को लेकर सीताकुंड धाम में जी 21 तारीख को मुखिया जी द्वारा जी जी दीप प्रज्वलित कर किया जा रहा है। जी चलिए थैंक यू सर। अभी हम लोग हैं यहाँ काफ़ी देर तक जैसे पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे फिर बाद में। ठीक है ठीक है सर, चलिए ब्लॉग चल रहा है, आइए आइए दैनिक जागरण के नाम लेते हुए बनाइए ब्लॉग बात करते हैं। सर आपका नाम? मैं विजय कुमार, बिंदुन पंचायत के मुखिया विजय कुमार। जी जी मेरा नाम हुआ जी।
ये है कि जो आज द्वीप उत्सव मनाई जा रही है जी जी, तो श्री राम भगवान की शादी होकर जनकपुर से अयोध्या के लिए निकली थी और यहाँ पर उस चौठारी के समय यहाँ पर उनका विश्राम हुआ था और चौठारी यहीं पे हुआ था जी जी। इसी के उपलक्ष में हम लोग यहाँ पर आज द्वीप उत्सव कर रहे हैं जिसमें दैनिक जागरण का भी इसमें योगदान है, योगदान है जिसे हम लोग सब कोई मुखिया होने के नाते यहाँ पर अपना पंचायत वासियों की तरफ से हम लोग इसको प्रज्वलित कर रहे हैं जी यहाँ पर। और कल है कि कल भव्य हिसाब से जी जी यहाँ पर दीप उत्सव मनाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जी सर। चलिए सर, बढ़िया लगा आपसे मिलकर। तो गाइस आपका ब्लॉग एक बढ़िया हो गया जी सर, बढ़िया बढ़िया। हम तो नहीं पूछे ब्लॉग कैसे बनाना है जी सर। तो चलिए बाकी चीज़ आप लोग हम लोग दिखाते हैं उधर क्या क्या तैयारी चल रही है पूरा। तो जैसे यहाँ पर आप लोग को देखिए जय श्री राम अभी दिख रहा, जलने के बाद और काफ़ी प्यारा लगेगा। तो आइए इधर दिखाते हैं सब आपको। ओ देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी चलिए, आइए थोड़ा उधर घूम लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पूरी तैयारी एकदम जोर जोर से चल रही है, हम लोग भी यहाँ पे एकदम जोर जोर से ब्लॉग में अपना भिड़े पड़े हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मुखिया जी का कार लगा हुआ है, जो सर बात कर रहे थे एक मुखिया जी थे और एक जो थे दैनिक जागरण से आए हुए थे, जो उनके देख रेख में ही आज दीप प्रज्वलित किया जाएगा। और बाकी सारे आगे इधर दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर पूरा कार्यक्रम जो पीछे चल रहा है, इधर कल की प्रोग्राम की तैयारी है जो भजन भक्ति से पूरा भरा रहेगा। और मैं क्या ही बोले, कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। मैंने कल का जो ब्लॉग होगा ना भाई, कसम से बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में होगा, क्योंकि कल का ब्लॉग देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज तो मतलब तैयारी हो रही है पूरी, लाइटिंग वाइटिंग आप लोग देख सकते हो, दीवार वाल पे हर चीज़ पर एकदम पूरी लाइटिंग लगी हुई है कि पूरी तैयारी एकदम जोर जोर से चल रही है। मैंने क्या ही बोले, इधर अभी आप देखो सब लोग काम पे भिड़े पड़े हैं उधर का। तो ये दिखाते हैं आपको, यहाँ का माहौल भी काफ़ी शानदार है, एकदम ज़बरदस्त है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ काम पे भिड़े पड़े हैं, जैसे लाइटिंग वोटिंग हो गया, हर चीज़ का टोटली चीज़ आप लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पे कल जो है कि मेला भी काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है, तो आप लोग इधर से देख सकते हो पूरा उधर का पूरा तैयारी चल रहा है चारों तरफ। चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के उधर सामने ही, और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर का नज़ारा कितना प्यारा दिखता है घाट पर से, तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा क्योंकि इधर से देखने में ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस यहाँ से देखने में कितना प्यारा लग रहा है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को साइड में आकर जूम करके दिखा देता हूँ कितना, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ का नज़ारा भी देख लो आप चारों ओर, जहाँ भी देखो एकदम सब लोग तैयारी में जुटा पड़ा है पूरा। चलिए मिलते हैं सीधा आपके मंदिर के पास में, और कुछ बातें वहीं पे होती रहेंगी। यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि घर पे जाते जाते रात हो जाएगी, और मतलब कि क्या ही बोले, हमें ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब कि आधा घंटा करीबन लगेगा जाने में, तो मैं फिर भी रात हो जाएगा। बाकी आप लोग कार्यक्रम हर चीज़ देखिए क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे और कितना ज़ोर ज़ोर से चल रही है। तो खास मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हम लोग आएँगे इसी टाइम में, मैं मिलेंगे शाम को 5 या 6 बजे करीब यहाँ पर रहूँगा, और वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा कितना धूमधाम से 22 जनवरी की तैयारी और कार्यक्रम होगा, वो आप लोगों को टोटली मैं लाइव करके दिखाऊंगा और ब्लॉग में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये टोटली चीज़ है। तो चलते हैं अब घर पे, को काफ़ी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं बाइक पे, बाकी सारी बातें बाइक पे करेंगे, सब तक के लिए बने। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम आप लोग को देखने को मिल रहा हो कैसा है, और बाकी सब तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बाकी चीज़ है जो कल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं घर पे, काफ़ी टाइम हो गया है, और निकलते हैं यहाँ से, और उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ, तैयारी यहाँ पे भी एकदम ज़ोर ज़ोर से चल रही है, जितना कहूँ उतना ही कम है। ओह क्या बात है, मतलब क्या ही बोलो, यहाँ का लोग आप लोग तो देख ही चुके, तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, और हम लोग तो भाई रहा नहीं जा रहा है, कल का इंतजार है, और क्या ही बोले मज़ा आ गया, लेकिन यहाँ का ब्लॉग करके ना भाई बहुत मज़ा आया, क्या ही बोले ना क्या। अभी जो है अब यहाँ से जो अभी घर पे जा रहे हैं, तो ये देखो भाई भाई को देखिए, जय श्री राम, देखा भाई, तो
देख रहे आप जगह जगह पे झंडा लग गया है जय श्री राम का, भगवा रंग हर घर में भगवा रंग होगा भाई, क्या ही बोले, पूरा मार्केट भगवा रंग दिखा गया है। और तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं घर पे, तो यहाँ से हमने लिया ले गाँव भाई, ठंडी का मजा हर जगह पे है, ठंडी है भैया, ठंडी है, कैसे खुशी मनाए राम भाई। देखो भाई इधर भी लग रहा है हर जगह भगवान रंग खाएगा भाई, ये देखो देख रहे हो लहरा रहा है भगवान रंग, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे अभी यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है इस मंदिर पे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, देख रहे हो भगवान रंग का घर, हर गांव गांव हर मोहल्ला हर गली हर जगह भाई यही है भगवा रंग, जय श्री राम, हर खंभे पे झंडा भगवा रंग का अभी लग रहा है, इधर भी मंदिर पे जय भगवा रंग, क्या बात है, ये देख लो गाइस कितना मस्त लग रहा है, हर जगह जहाँ देखो वहीं भगवान रंग, क्या बात है क्या बात है, मस्त लग रहा है एकदम, क्या ही बोलो, इधर देखो बस भगवान रंग, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में जैसे जान जरूर लिखें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।